हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना के बीच अनूठा सामूहिक विवाह, देखिए व्यवस्थाएं कैसे बनेगी मिसाल। बिरामी गांव में प्रजापति कुंभकार समाज का द्वितीय सामूहिक विवाह 3 फरवरी को 11 जोड़े एक साथ परिणय सूत्र में बंधेंगे। साने राव, कोविड-19 के प्रतिबंधों के तहत जब एक शादी में 50 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते तो सामूहिक विवाह के बारे में सोचा भी कैसे जा सकता है। लेकिन पाली जिले के बिरामी गांव में 3 फरवरी को श्री प्रजापति कुंभकार शियादे सेवा समिति भीमराव परगना बिरामी के बैनर तले होने वाला सामूहिक विवाह समारोह एक अनूठी मिसाल पेश करने वाली है। श्री प्रजापति कुंभकार शियादे सेवा समिति भीमराव परगना बिरामी के बैनर तले द्वितीय सामूहिक विवाह समारोह 3 फरवरी को बिरामी शियादे माताजी मंदिर परिसर में होगा। इससे पूर्व 2 फरवरी को शियादे जयंती पर विशेष पूजा अर्चना एवं शांति हवन यज्ञ संत महात्माओं की पावन निशा में वेद पंडितों द्वारा किया जाएगा। कोरोना काल में हो रहा यह सामूहिक विवाह समारोह कई मायनों में अनूठा साबित होगा। कोविड गाइडलाइन के अनुरूप 11 जोड़े 11 अलग अलग शादी मंडप अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर जिंदगी का नया सफर शुरू करेंगे। सभी 11 विवाह स्थलों पर मात्र 50-50 अतिथि ही शामिल हो सकेंगे। शियादे सेवा समिति के गणेश प्रजापति सुमेरपुर ने बताया कि समिति के समिति अध्यक्ष शंकरलाल प्रजापति बिरामी के नेतृत्व में होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप सभी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी 11 जोड़ों के विवाह स्थल पर अलग अलग समय अनुसार 50 अतिथियों की उपस्थिति में करवाया जाएगा। अलग अलग टीमें करेंगी व्यवस्था। सामूहिक विवाह के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई है। यह टीमें विवाह स्थल की व्यवस्थाएं संभालेंगी। सभी टीमों में समाज के गणमान्य व मौजूद लोगों को शामिल किया गया है। महिलाओं की अलग टीम बनाई गई है। सामूहिक विवाह समारोह को लेकर शियादे सेवा समिति भीमराव परगना बिरामी के अध्यक्ष शंकरलाल प्रजापति बिरामी के साथ गणेश प्रजापति सुमेरपुर, संग्राम प्रजापति खिमाड़ा, राकेश भाई सुमेरपुर, मूलाराम साने राव, घीसूराम कोसेलाफ, मोतीलाल सुमेरपुर, लालाराम कोसेलाफ, भूरा राम खागड़ी, पेमा राम सांडे राव, हंसा राम सांडे राव सहित समाज बंधु तैयारियों में जुटे हुए हैं। जागरूक टीवी के सांडे राव से नटवर मेवाड़ा की रिपोर्ट।